हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दिया गया है, तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि जो ये संख्याएँ दी गई हैं, इन सभी संख्याओं को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। यानी इसके प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करने और उस फैक्टरों के प्रोडक्ट के रूप में मुझे लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन फर्स्ट जो हमारा होगा, इसका फर्स्ट पार्ट होगा क्या हो जाएगा, 140 है यहां पर, तो 140 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है यहां पर। तो 140 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा और ये 0। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 35 आएगा, और 35 को मुझे डिवाइड करना है किससे, तो 5 से डिवाइड होगा, तो यहां पर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 7, और यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना था, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना था। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर है, इसके प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, यानी 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 × 5 × 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो कम्प्लीट हुआ, सेकेंड पार्ट क्या है, 156। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड जो है 156, इसको भी फैक्टराइज करना है, तो 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 2 × 7 = 14, और ये 2 × 8 = 16। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, ये 3 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा और 3 आएगा, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा 156 = 2 × 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स था, 2 का पावर 2 × 3 × 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट देखिए कितना है, 3825। ठीक है, तो थर्ड जो है 5, इसको भी फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 3825, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, देखिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 3 × 3 × 3 × 2 = 6, और यहाँ से 2 × 3 × 7 = 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 × 3 और 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 20, 3 × 5 = 15। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। देखिए यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, और ये 2 रहेगा तो 5 × 5 = देखिए यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 17, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, 3825 = में 3 2 टाइम्स है, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, तो देखिए 3 2 टाइम्स था, तो 3 का पावर 2 × 5 का पावर 2 × 17। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। अभी इसमें कितने हैं, 4th और 5th पार्ट हैं, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे अभी। देखिए यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, तो 5005 जो फोर्थ पार्ट है इसका, 5005, इससे मुझे डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5005 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, और यहाँ पर 001। ठीक है, देखिए 1 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 से आगे बढ़ेंगे, 7 से चेक करते हैं, तो ये 7 से अगर हम डिवाइड करें इसको, तो 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो 7 × 7 रहेगा 3 0, और ये कितना आएगा, 7 × 4 = 28, यानी यहाँ पर आएगा 2 और ये 1, तो 7 × 3 = यानी कि 21, ये कैंसिल होगा, 7 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, और डिवाइड करने पर आया 143। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 143 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा, तो 11 × 11 हो जाएगा, और 3 × 11 = 3, और ये 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, इसको लिखेंगे 5005 = में यहाँ से 5, और इंटू में ये 7 हो जाएगा, इंटू में 11 और इंटू में 13। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है कि 2 टाइम्स हो, 2 टाइम्स होता तो उसका पावर हम 2 कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हुआ, अब हमें क्या करना है, इसका 5th पार्ट है, कितना है, 7429, 5th पार्ट जो है 7429। अब इसको मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो 7
429। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो किससे कैंसिल होगा, 17 से, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 437, और अब ये 19 से डिवाइड होगा तो आएगा 23, और 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 429 इज इक्वल टू में 17 और इंटू में 19 और इंटू में 23। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसके सभी पार्ट कंप्लीट हुए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या करना है कि इन सभी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना और वेरीफाई करवाना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट कितना है तो 26 इंटू में 91। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करते हैं यहाँ पर 26 और 91 का, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये आएगा 13 और ये 91। ठीक है, देखिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 और ये आएगा 13, और 13 से इसको कैंसिल किए तो 1 और 1 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 26 91 का, तो 2 इंटू में 7 और इंटू में 13। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना, 27 जा 14, और 14 को 13 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 का 2, 3 1 जा 3 और 1 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, यानी 2 8 और 1 182 आएगा। ये हो गया एलसीएम इसका। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करना है तो इसको 3 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 3 टाइम्स जाएगा 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, ये कितना आएगा, 3 और यहाँ पर 8 7 1 हो जाएगा, और इस 26 को यहाँ पर लाएंगे तो 13 2 जा 26 ये कैंसिल हुआ, यानी कि जो एचसीएफ होगा इसका वो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 26 91 का 13 हो जाएगा। ठीक है, मुझे वेरीफाई क्या करवाना है, यहाँ पर देखिए क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 182 और इंटू में 13। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पर, देखिए कितना आएगा, 13 2 जा 6 26 हो जाएगा और 2 कैरी करेगा, और 13 8 जा 104 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो आएगा 106, यहाँ से 6 लिखना होगा और ये 10 कैरी करेगा, 13 1 जा 13 और 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, तो ये आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू 26 इंटू में 91। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 23 और 66। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, और एचसीएफ इनटू एलसीएम जो है वो भी 2366, यहाँ पर 2366, तो देयर इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ इनटू में एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, उसको भी सॉल्व करते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो कितना है, 510 एंड 92, ये हो जाएगा 510 एंड 92। ठीक है, अब इसका पहले मुझे क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे, 510 और 92, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और ये 2 4 जा 8 आएगा और 2 6 जा 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 5 रहेगा, 2 2 जा 4 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करना होगा तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा और ये 23। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितने करेगा, ये भी 3 से डिविजिबल था, इसको हम डिवाइड कर सकते थे 3 से 5 के बजाय, लेकिन यहाँ पर जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15 और 23, यहाँ से ये 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 और ये 23। ठीक है, यहाँ पर 17 होगा, 1 आएगा और 23, और इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 कमा
वन, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 2 10 2 20 और 23 60, और 60 को जब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 17 से कितना आएगा 102, और ये 0, इसको मल्टीप्लाई करना है 23 से तो कितना आएगा 06 03 04 01, नहीं 2 आएगा, तो ये 06 4 3 2, ये आएगा कितना, यहाँ पर देखिए एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 17 और 23। तो इन सभी का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए 23 4 6 0, ठीक है। अब इसका मुझे क्या करना है, तो एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो 92 हो गया और ये 510, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 92 को ले जाएँ कितने 6 टाइम्स, तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए 6 2 12 का 2 6 9 54 और एक 55, यानी कि 500 कितना होगा 52, तो 6 टाइम्स नहीं बल्कि 5 टाइम्स ले जाएंगे, तो 5 2 10 का 0 5 9 कितना जाएगा 45 और एक 46, तो यहाँ पर 5 टाइम्स जाएगा और 460 आएगा। देखिए यहाँ से 0 से 0 हो गया और 11 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, ये कैंसिल हुआ। 92 यहाँ पर लिखेंगे 51 50, यहाँ पर 2 और ये 4, ये 50 लिखेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 42 आएगा, कितना हो गया 8 रहेगा, और इस 8 से डिवाइड करना किसको 42 को, तो 8 5 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 बचेगा, और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा, 2 से 8 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, ये डिविजिबल हो गया, यानी HCF जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, तो HCF इज इक्वल टू 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, LCM को HCF से मल्टीप्लाई करना है, तो LCM गुणा में HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 2 0 0, 2 6 12 का 2 और 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 92, 510 × 92, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46920, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इतना है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है वो कितना है 46, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देयर इम्प्लाइड एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, यानी कि अब ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी 2 का ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, अब थर्ड पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि 15 15 और ये कितना है 21, यहाँ पर 15 नहीं होगा बल्कि कोई दूसरी संख्या होगी, देख लेते हैं 2 मिनट कितना होगा, ये 12 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 12 हो गया, 12 15 और 21, इनका मुझे क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कितना है फर्स्ट 12 15 और 21। तो ऐसी स्थिति में जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 12 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 6 और 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। इसी प्रकार से 15 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 5 15 और 5 1 5, यहाँ पर 21 है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो 3 7 21 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, तो ये 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3, और यहाँ पर 15 है तो कितना हो जाएगा 3 × 5, और जो 21 है, ये 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 7 है, तो 3 × 7। अब देखिए अगर एलसीएम फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो संख्याएँ कॉमन मिल रही हैं उनको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं मिला उसको भी लिखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है और कहीं 2 नहीं है, तो इसको लिखेंगे, यहाँ भी 2 है और 3 यहाँ पर है, तो इसको एक बार लिखेंगे, और 5 है तो 5 × 7, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 2 10 2 20 420, ठीक है।
और देखिए अब इसी का एचसीएफ फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 और 15 इज इक्वल टू कितना है तो 3 × 5 और 21 इज इक्वल टू 3 × 7। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 3 यहाँ पर 3 ये कॉमन है तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि जो एलसीएम प्राप्त हुआ 420 और जो एचसीएफ प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या है, 17, 23 और 29 है, तो ये हो जाएगा 17, 23 और 29। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये सभी प्राइम नंबर्स हैं तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 17 से ही डिविजिबल होगा यानी 1 आएगा। इसी प्रकार से 23 को अगर हम डिवाइड करें तो 23 से डिविजिबल होगा और 29 भी 29 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 17 लिखें तो कितना हो जाएगा, 17 × 1 लिख सकते हैं, या फिर 23 है तो इसको भी 23 × 1 और कितना हो जाएगा, 29 = 29 × 1 लिख सकते हैं। अब अगर मुझे इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ केवल इसमें 1 कॉमन मिलेगा, इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं मिल पाएगी। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो 17 = 17 × 1 और 23 = 23 × 1 और 29 = कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 29 × 1। तो जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 17 × 23 × 29। ठीक है, अब देखिए इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7429। तो एलसीएम मुझे प्राप्त हुआ 7429 और जो एचसीएफ प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट को कंप्लीट करना है। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 8, 9 और 25। यहाँ पर 8, 9 और 25 है। ठीक है, तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। 8 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 और 2 × 2 = 2। 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 आएगा और 3 × 3 = 3। इसी प्रकार से 25 को भी फैक्टराइज करेंगे तो 5 और 5 = 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 = 2 × 2 × 2 और 9 = 3 × 3 और 25 = 5 × 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे इंटू में ये 2 लिखेंगे और इंटू में ये 2 लिखेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25, 2 × 10, 5 × 5 = 25 और 2 × 50, 50 × 2 = 100 और 100 × 200 = 600, यानी कि 180 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम। अब एचसीएफ फाइंड करना है तो 8 = 2 × 2 × 2 हो जाएगा और 9 = 3 × 3 और 25 = कितना होगा, तो 5 × 5। यहाँ पर जो एचसीएफ प्राप्त होगा वो कितना होगा, तो ये देखिए यहाँ पर जो कॉमन मिलेगा, तो कॉमन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो केवल 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब कोई संख्या कॉमन ना मिले तो केवल 1 होता है, तो एचसीएफ 1 प्राप्त हुआ और एलसीएम 180 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सभी कम्प्लीट हुए।